ईरान दुनिया की तहजीबों पर अपने नशानात रखती थी, हमारा किरदार था मगर हसीन न था। सदर अली बकार फिर परान की चोटियों से वो आफताबे आलम उभरता है कि जिसके नूर से हम बददियानतों, बदगुमानों, बदजबानों, बद अहलाकों और बदकिरदारों को हुस्ने किरदार से मुजस्सम बनाया जाता है कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे, मोहला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। सदर अली वकार, जब आपकी इस दुनिया में आमद होती है तो आपकी वालदा बहुत फिक्रमंद थी कि अब इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। फिर रब्बे कायनात को जोश आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, आमिना तू इस बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में क्यों फिक्रमंद होती है, क्या हुआ जो इसका वालिद नहीं जो इसे देखकर खुश होता। मैं इसका रब हूँ जो इसे देखकर खुश हूँगा। आमिना ये बेटा तेरा है तो नूरे नजर मेरा है, अहमद मुश्तबा तेरा है तो मोहम्मद मुस्तफा मेरा है। तू इसके लिए खुशबू तलाश करेगी, मैं इसके पसीने में खुशबू रख दूंगा। मेरे नबी जहाँ से गुजरेंगे वो रास्ते खुद बताएंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह यहाँ से गुजरे हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सदर अली वकार, कोई मिसले मुस्तफा कभी था न है न होगा, आप जैसा रुतबा कभी किसी का था न है न होगा। आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, आप वजह तहलीके कायनात है, आपको हल्क देकर दस्ते कुदरत नजा हुआ और पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रश करने लगी और आपने अपने किरदार से तमाम बुराइयां खत्म कर दी और इस बात पर मोरे सदाकत नक्श की कि सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने चचा हजरत हमजा के कातिल को भी माफ कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सिरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, सात पर्दों में छाया था हुस्ने कायनात, फिर किसने उसे आलमे अश्कारा कर दिया। आपकी समातंग बेहद शुक्रिया, वस्सलाम।